हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइफ आई स्टडी। और जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी ग्रुप डी और एनटीपीसी के जो फॉर्म सब कुछ फिलअप हो चुके हैं और सभी बच्चे लगभग अपनी इन दोनों की तैयारी में लग चुके हैं। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैं रेलवे के लिए स्पेशल और स्पेशल रेलवे के लिए आज प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो बातें बताना चाहूंगा कि जो हमारी घटना चक्र की बुक है, घटना चक्र की जो बुक है हमारी, इसमें पिछले 17 सालों में आए हुए सभी क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ठीक है, रेलवे की किसी भी पोस्ट के लिए जो हो, उसमें जितने भी तरह के क्वेश्चंस हैं इस बुक के अंदर दिए हुए हैं। और ये बुक आप लोग देख सकते हैं, मैं इसको इसमें देख खड़ा हूँ सामने, देख सकते हैं इसमें पिछले टोटल 17 सालों का डेटा जो है इंक्लूड किया गया है। तो इसी से मैं अपने आगे के चैप्टर स्टार्ट करूंगा। इससे पहले एक बात और बता दूं, परसेंटेज का जो पूरा चैप्टर है, परसेंटेज का पूरा चैप्टर मैंने इसी बुक से अपलोड किया हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस अगर आप देखना चाहते हैं देखिए, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग परसेंटेज को पूरा कर लेंगे, वहां पे मैंने बहुत अच्छे से कराया हुआ है, तो पहले आप परसेंटेज पूरा कर लें और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस पे आए। ठीक, और मैंने एक चैप्टर और, रेशो एंड प्रोपोर्शन, रेशो एंड प्रोपोर्शन का चैप्टर भी मैंने इसी बुक से अपलोड किया हुआ है। तो आज काफी बच्चों ने डिमांड किया कि सर घटना चक्र की बुक को कंटिन्यू कीजिए, तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए स्पेशल रेलवे के लिए, एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए, अब मैं इसका प्रॉफिट एंड लॉस आपका चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ। तो चलिए ज्यादा टाइम न लेते हुए चलते हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस की ओर। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस, देखिए परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सीआई और एसआई, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, चार चैप्टर ऐसे हैं जहां से कि आपको लगभग 7 से 8 क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे। चार चैप्टर से 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इन चारों चैप्टर को आप लोगों को अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए रटके जाना है। ठीक है, 7 से 8 क्वेश्चन नंबर बहुत होते हैं। ठीक, तो चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस को समझने से पहले हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा, यानी कि इसमें 4-5 टर्म्स हैं जिन्हें की हमें बखूबी समझना होगा, उनका मीनिंग क्या है। ठीक, देखिए सबसे पहले नाम से ही आपको लग रहा है कि लाभ, हानि और सीपी और एसपी और एमपी। अब देखिए, सीपी, एसपी और एमपी, इनका मतलब समझते हैं। इसको हिंदी में कहेंगे हम क्रय मूल्य, सीपी को, और एसपी को कहेंगे हम विक्रय मूल्य, और एमपी को कहेंगे हम अपना अंकित मूल्य, अंकित मूल्य। ठीक है, अब देखिए इन 5 टर्म्स को हम अच्छे से समझेंगे, रिलेटेड जो फॉर्मूला है, जो इसका बेसिक पार्ट है, वो आज इस वीडियो में हम बिल्कुल डीप जाके डिस्कस करेंगे। आगे के वीडियो में आपको कोई भी सीपी, एसपी, एमपी, लाभ हानि में कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। ठीक है, तो बहुत ध्यान से इस वीडियो पर बने रहे, शुरू से लास्ट तक आपको एक एक शब्द को ध्यान से सुनना है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम सीपी की, कि आखिर सीपी होता क्या है। ठीक, देखिए सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। ठीक, देखिए कोई हमें रटी रटाई डेफिनेशन नहीं समझनी है, सीधा एकदम प्रैक्टिकल सी चीज पे आती है। देखिए कॉस्ट प्राइस, मान लेते हैं आपने कोई प्रोडक्ट बनाया अपना, क्या क्या आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, और उस प्रोडक्ट को बनाने में आपके लगते हैं 5 रुपए। कितने लगते हैं आपके प्रोडक्ट को बनाने में? 5 रुपए लगते हैं। और मान लिया आपने ये प्रोडक्ट बनाया और इससे आप कुछ प्रॉफिट कमाना चाहते हैं या इसको आप मार्केट में सेल करना चाहते हैं, तो देखिए ऐसा तो होगा नहीं कि आपने 5 रुपए का ये प्रोडक्ट बनाया और आप इसको मार्केट में सेल के लिए रख दो
और वहां पर भी इसका प्राइस आप 5 रुपए रखो, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। आप क्या करेंगे प्रॉफिट लेने के लिए, ठीक, आपकी आई है लागत 5 रुपए की, आपकी क्या इसमें लागत। अब आप क्या करेंगे, इसको मार्केट में प्रेजेंट करेंगे, और प्रेजेंट कैसे करते हैं मार्केट में, हम प्रॉफिट कमाने के लिए अपने प्रोडक्ट को मूल्य थोड़ा सा इंक्रीज करके लिखते हैं। मान लेते हैं आपने इस पर 10 रुपए जो है छाप दिया, यानी कि ऐसे मानिए कि 5 रुपए की कोई चीज है, आपकी लागत आई और आपने इसे मार्केट में डाल दिया, और उस पर लिखा हुआ रेट जो छपा हुआ है वो कितना है 10 रुपए। तो जो छपा हुआ रेट है, छपा हुआ मतलब जो उस पर अंकित है, अंकित मतलब जो उस पर लिखा हुआ है, तो ये उसका क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य। क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य। ठीक, दोबारा कहता हूं, 5 रुपए आपकी लागत आई, जो आपका खर्चा आया उस प्रोडक्ट को तैयार करने में, आपकी लागत आई, तो ये आपका क्या होगा, लागत मूल्य, या इसी का एक दूसरा नाम हम बोल सकते हैं क्रय मूल्य। ठीक है, आपने इसको मार्केट में रख दिया, आप प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो आपने इसकी कीमत को बढ़ा के लिखा, उस पे छाप दिया आपने 10 रुपए, और जो छाप दिया वही आपका क्या होगा, मार्केट प्राइस होगा या अंकित मूल्य, इसी को बोलते हैं हम एमपी। एमपी का मतलब मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस मतलब जो उस पे लिखा हुआ है। चलिए, अब आपने मार्केट में तो उसको डाल दिया, लेकिन जब कस्टमर आएगा तो आप प्रैक्टिकल सा सोचिए, जब कभी आप मार्केट में कुछ चीज लेने जाते हैं, कुछ प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं, तो उस पर मान लीजिए लिखा है 500 रुपए, तो क्या होगा, दुकानदार आपको उस पर कुछ डिस्काउंट दे देगा और वो आपको 490 रुपए देने के लिए बोल देगा कि 500 रुपए लिखा है भाई, आप 490 दे दीजिए और हम आपको ये दे देंगे। तो उसने क्या किया, इस एमपी पर कुछ छूट दी, क्या दी, कुछ छूट दी, और मान लेते हैं उसने आपको 8 रुपए का ये प्रोडक्ट सेल कर दिया। क्या कर दिया, सेल कर दिया, ठीक, यानी कि बेच दिया, कितने का, 8 रुपए का। तो ये उसका क्या होगा, विक्रय मूल्य, क्या होगा उसका, ये विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य को इंग्लिश में बोलते हैं हम सेलिंग प्राइस। क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस, ठीक है, इसको बोलते हैं हम मार्क्ड प्राइस, MARKED प्राइस, ठीक, और इसको बोलते हैं हम कॉस्ट प्राइस। और मुझे लगता है कि अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, आपकी बनावट टाइप से प्रोडक्ट की 5 रुपए, आपने इसको मार्केट में रख दिया, बढ़ाकर मूल्य कितना लिखा आपने 10 रुपए, अंकित मूल्य हो गया ये। फिर आप अंकित मूल्य छापने के बाद क्या हुआ, कोई कस्टमर आया और उसको बेच दिया गया ये 8 रुपए का, तो 8 रुपए का बेचा गया, तो बेचा हुआ मूल्य यानी कि जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाएगी वही आपका क्या होता है, सेलिंग प्राइस। ठीक, तो आप लिखेंगे अपने नोट्स में कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या है, वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाए, वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाए, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु बनाई जाए, मतलब जितनी लागत में कोई वस्तु बनाई जाए, वह भी उसके हम क्रय मूल्य को, मतलब क्रय मूल्य मान सकते हैं। ठीक, अब बात आती है एसपी की। सेलिंग प्राइस में आप लिखेंगे वह मूल्य, या हाँ वह मूल्य, मूल्य जिस पर कोई वस्तु बेची जाए, क्या की जाए, बेची जाए। क्लियर, ठीक है, समझ आ रहा है, ध्यान से सुनिए, बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। देखिए, अब है आपका मार्केट प्राइस। चलिए मैं बोलता हूं, आप लिखेंगे मार्केट प्राइस का मतलब क्या है, वह मूल्य जो वस्तु पर या प्रोडक्ट पर छपा हुआ होता है, या लिखा हुआ होता है, या अंकित होता है। ठीक है, वह मूल्य जो वस्तु पर लिखा हुआ होता है या छपा हुआ होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मार्क्ड प्राइस। क्या बोलते हैं, मार्क्ड प्राइस। चलिए, अब मैं समझता हूं कि आप लोगों को सीपी, एसपी, एमपी क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अब इससे आगे की कहानी देखते हैं।
आगे की कहानी क्या होगी। ध्यान से समझते रहें, एक एक शब्द की बहुत कीमत है, ध्यान से समझना जरा। देखिए चलते हैं आगे, अभी थोड़ा सा इसमें और है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको प्रॉफिट एंड लॉस में, बिल्कुल आपका प्रैक्टिकल नॉलेज पर बेस है चैप्टर, पूरा का पूरा, परसेंटेज हो चाहे आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो। अब देखिए सीपी हो गया, एसपी हो गया और एमपी हो गया। अब देखिए हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की, तो देखिए मान लेते हैं सीपी की बात करते हैं। अभी हमने क्या किया था, एक वस्तु थी जिसमें हमारी लागत कितनी आई थी, पांच रुपए की। कितनी आई थी लागत, पांच रुपए की। अब फिर हमने क्या किया था, इस पर दस रुपए लिखा, यानी कि एमपी इस पर लिखा और इसको सेल कर दिया, सेल कर दिया कितने का, आठ रुपए का। ठीक, ये सीपी, ये एमपी और ये सेल कितने का हुआ, आठ रुपए का। अब देखिए पांच रुपए आपकी क्या थी, लागत, आपने वस्तु को पांच रुपए लगाकर बनाया था और आपने सेल कितने का किया, आठ रुपए का सेल किया। इसका मतलब पांच रुपए आपकी लागत, आपने कितने ज्यादा कमाए उस वस्तु पर, तीन रुपए ज्यादा कमा लिए। तो तीन रुपए ज्यादा कमाए, तो सीधा सीधा तीन रुपए आपने ज्यादा कमाए और ज्यादा कमाने को आप बोलते हैं लाभ या प्रॉफिट, या फिर दूसरे शब्द में बोल सकते हैं गेन। ठीक है, प्रॉफिट गेन या लाभ, ठीक है, या फिर फायदा। तो आपका ये फायदा हो जाएगा। ठीक है, ये है अभी रुपयों में, परसेंटेज में भी बात करेंगे, पहले रुपयों में बात कर लेते हैं। अच्छा देखिए लाभ आप समझ चुके हैं कैसे मिलेगा, अब बात कर लेते हैं अपनी हानि की। हानि क्या होगी, ध्यान देना है, अगर पांच रुपए आपकी लागत कीमत है और दस रुपए आपने उस पर क्या किया, एमपी किया, क्या किया, मार्केट प्राइस किया, चलिए मान लेते हैं किया। और सपोज कीजिए ये प्रोडक्ट हो जाता है एक्सपायर, हम मान लेते हैं कि ये प्रोडक्ट काफी समय से बेचा नहीं गया या किसी कारण बिक नहीं पाया, ये प्रोडक्ट हो चुका है एक्सपायर, तो दुकानदार क्या करेगा, अब दुकानदार क्या करेगा, इस प्रोडक्ट को अगर बेचेगा तो बिल्कुल ऐसे दाम में बेचेगा कि आपको लगे कि भाई बहुत मंदा मिल रहा है, तो आप झट से क्या कर लेंगे, एकदम खरीद लेंगे। तो उसने क्या किया, इसको आपको कितने का बेच दिया, तीन रुपए का, कितने का बेच दिया, तीन रुपए का। तो अब देखना पांच रुपए की क्या थी, लागत थी हमारी, और तीन रुपए का बेच दिया गया, इसका मतलब पांच रुपए की, आप इसको भी भूल जाइए, तो पांच रुपए की आपकी लागत थी और आपका प्रोडक्ट कितने का बेचा गया, तीन रुपए का, तो लागत से भी कम कीमत पर बेचा जा रहा है, इसका मतलब आपको सीधे कितना का नुकसान है, दो रुपए का। देखिए डायरेक्ट देख सकते हैं कितने का नुकसान है आपको, दो रुपए का, क्लियर है। ठीक है, पांच रुपए की कोई चीज है, बनावट में जो खर्चा आया आपका पांच रुपए का आया और आपने बेच कितने का दिया, तीन रुपए का, तो आपको सीधे सीधे कितने का नुकसान होगा, दो रुपए का। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं हम इसको, आप हर चीज आपको नोट करनी है और समझना है ध्यान से। देखिए अभी इसको हम परसेंटेज में निकालेंगे कि परसेंटेज में हम प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकालें, फिर उसके बाद हम इसके जो भी फॉर्मूले हैं फॉर्मूले डिस्कस करेंगे और मीनिंग समझेंगे कि आखिर ऐसा फॉर्मूला ही क्यों हम लगा रहे हैं। देखिए यहां पर क्या था, पांच रुपए की वस्तु थी और हमने, ये हमारा सीपी और ये मानते हुए कि हमने कितने की बेच दी उसे, आठ रुपए की। ठीक है, अब देखिए पांच रुपए से हमने कितना एक्स्ट्रा कमाया, तीन रुपए। तो पूछता है कि प्रॉफिट बताइए, परसेंटेज प्रॉफिट, यानी कि कितने परसेंट का हमें क्या हुआ, लाभ हुआ। देखिए हमें पांच रुपए पर कितने लाभ हुआ, तीन का। परसेंटेज के लिए आप सौ लिख सकते हैं, सोल्व करेंगे बीस मल्टीप्लाई करेंगे कितना, साठ। इसका मतलब आपको इस प्रोडक्ट में कितने का लाभ हो रहा है, साठ परसेंट। परसेंट की बात कर रहे हैं तो परसेंट में आपको कितने का लाभ हो रहा है, साठ परसेंट का। और रुपयों में बात करें तो आपको कितने का लाभ है यहां पर, तीन रुपयों का। क्लियर है, चलिए देखते हैं। अगर मान लेते हैं
ये हमारा बेचा गया 3 रुपए का, भाई 5 रुपए लागत है और 3 रुपए का आपका सेल हुआ, ये 3 रुपए का सेल हुआ तो आपको कितने का नुकसान है सीधे सीधे 2 रुपए का, सॉरी 2 रुपए का नुकसान है आपको। तो ऐसा ही पूछ सकता है कि लॉस बताओ, वो भी परसेंटेज में निकालकर। तो अब की बार क्या होगा कि आपको 5 रुपए पर कितने का नुकसान हो चुका है, 2 का परसेंटेज के लिए। सो सोल्व करें कितनी बार कटेगा, 20 और 20 दुनी कितना आएगा आपका 40। तो यहां से आपको 40% इस तरीके से क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ठीक, रुपयों में कितने का लॉस है, 2 रुपए का, और परसेंटेज में कितने का लॉस है, 40% का। क्लियर है ना, क्लियर है, जल्दी से नोट कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए और अपनी एक नोटबुक साथ में रखें, पहले समझें उसके बाद आपको नोट करना है, एक एक चीज को कुछ भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग वीडियो होगा और आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक एंड शेयर जरूर करना, शेयर आप लोग करते नहीं है ताकि आपके फ्रेंड को ना पता चल जाए, वो नंबर ना निकाल ले, ठीक है ना, ये चाहते हैं ना, शेयर किया कीजिए, ठीक है, इससे हमें भी अच्छा लगता है और एक लाइक करने में आपका कोई घाटा नहीं है, आप एक लाइक भी कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लगा तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, ये आपका अधिकार है, ठीक है। तो चलिए अब एक चीज आप नोट में लिखिए, देखिए अभी तक मैंने प्रॉफिट निकाला, अभी मैंने लॉस निकाला, आपने एक बात नोट की, देखिए सीपी पर 3 का लाभ, सीपी पर 2 का नुकसान, मतलब सीपी से ही तो लाभ देख रहे हैं और सीपी से क्या देख रहे हैं, हम लॉस। तो ध्यान रखना, चाहे तो बात प्रॉफिट की हो या बात फिर हो लॉस की, चाहे बात किसकी हो, प्रॉफिट की या बात हो लॉस की, हम हमेशा प्रॉफिट हो या लॉस हो हमेशा किस पे देखा जाएगा, सीपी पर, किस पर देखा जाएगा, सीपी पर, क्रय मूल्य पर, यानी कि लागत मूल्य पर। इसको आप नोट में लिखें कि हमेशा प्रॉफिट हो या लॉस हो हमेशा किस पर देखा जाएगा, सीपी पर, कॉस्ट प्राइस पर। क्लियर है इतनी चीज आपको, चलिए देखते हैं। अब कुछ फॉर्मूले हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं, फॉर्मूला आपको कुछ भी याद नहीं करना है, केवल और केवल समझना है कि आखिर ऐसा हो क्यों। देखिए बात करते हैं हम प्रॉफिट की, बात किसी करते हैं हम प्रॉफिट की। अच्छा प्रॉफिट के लिए कंडीशन क्या है, आपने अभी सीपी के बारे में पढ़ा और आपने अभी किसके बारे में पढ़ा, एसपी के, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। अभी हमने क्या पढ़ा था कि 5 रुपए हमारा लागत आया और 8 रुपए की हमने क्या किया, उसको सेल किया। तो इस केस में हमें कितने का प्रॉफिट हुआ, कितने का प्रॉफिट हुआ हमें, 3 का प्रॉफिट हुआ, 3 का हुआ ना, ठीक। तो सीपी 5 है, एसपी 8 है, इसका मतलब सीपी से क्या है, एसपी ज्यादा। तो जब कभी भी प्रॉफिट होगा तो हमारा एसपी क्या होगा, ज्यादा होगा सीपी से, ठीक है। देखिए अभी आपको लग सकता है कि बहुत इजी चल रहा है, बहुत ही, ये तो हमें पहले से पता है, आपको ऐसी फीलिंग आ सकती है, लेकिन एक अच्छे तरीके से समझने के लिए ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए और आप स्टेप बाय स्टेप समझें और एक एक क्वेश्चन धीरे धीरे करेंगे तो और भी आपकी पकड़ बन जाएगी। आगे हम देखना एक से एक सवाल इसमें डिस्कस करेंगे, अच्छे से अच्छा सवाल लेंगे, ठीक। देखिए अगर हम बात करें लॉस की, तो हमने क्या पढ़ा, एसपी पढ़ा और सीपी पढ़ा, 5 रुपए क्या थी हमारी लागत थी और हमने वस्तु को कितने का बेच दिया था, 3 रुपए का। अब हमें दिख रहा है ना कि कितने का नुकसान है, 2 रुपए का, और नुकसान है 2 रुपए का। अब की बार क्या हुआ, एसपी कम है और सीपी ज्यादा। तो ध्यान रखना, लॉस जब भी होगा तो सीपी ज्यादा होगा, एसपी क्या होगा, कम होगा, तो सीपी ज्यादा है तो ये बन जाएगा। क्लियर है जी, ठीक। अब देखिए यहां पर अगर हमें निकालना है प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर हम एसपी में से सीपी को घटा दें, मतलब ध्यान देना, 8 रुपए हमारा क्या था, एसपी था, और 5 रुपए हमारा क्या था, सीपी था, तो हम घटा दें तो कितना आया हमारा, 3 रुपए, ये क्या आ गया हमारा, प्रॉफिट, ठीक है। तो प्रॉफिट ऐसे भी निकाल सकते हैं, क्लियर। अब देखिए अगर हमें निकालना है लॉस,
तो लॉस कैसे निकालेंगे? ध्यान देना, लॉस सीपी माइनस एसपी होगा। अब देखिए सीपी को पहले क्यों रखा और यहां पर एसपी को पहले क्यों रखा, ध्यान देना, हमेशा माइनस करते समय हम बड़ी वैल्यू को क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे। मैंने क्या कहा, हमेशा जब कभी भी हम माइनस करेंगे तो मैथ के अंदर हम बड़ी वैल्यू को कहां लिखते हैं, पहले। तो इसीलिए लॉस वाली कंडीशन में हमारा सीपी कितना है, 5 और एसपी कितना है, 3। घटा देंगे तो हमारे पास 2 रुपए का क्या जाएगा, लॉस आ जाएगा। क्या जाएगा, 2 रुपए का लॉस। ठीक है, नोट करते चलिए, पहले समझें उसके बाद नोट करना है। ठीक है, समझ आया, प्रॉफिट कैसे निकलेगा, लॉस कैसे निकलेगा। अब इसी को देखते हैं हम, ये परसेंटेज में कैसे निकलेगा। ध्यान दें, अगर कहे आपसे कि परसेंटेज प्रॉफिट बताइए, यानी कि जो प्रॉफिट आपने अभी यहां निकाला ये कितने परसेंट होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा। ध्यान दें, मैंने अभी आपको बताया था कि प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, हम किस पे काउंट करेंगे, हमेशा सीपी पर। ध्यान दें, तो सीपी क्या था हमारा, 5। 5 रुपए हमारी लागत थी और उस पर कितना लाभ था हमारा, 3 रुपए का। ठीक है, परसेंटेज के लिए भी क्या आया था, 100, और हमारा आंसर आया था 60% का लाभ। तो ध्यान दें, फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, 5 रुपए हमारा क्या है, सीपी। क्या है हमारा 5 रुपए, सीपी। ऊपर ये क्या आया, लाभ आया ना, ऊपर जो हमने लिखा 3 रुपए, ये 3 रुपए क्या है हमारा, लाभ। तो आप यहां पर लिख सकते हैं प्रॉफिट या फिर गेन, इंग्लिश में प्रॉफिट या गेन बोल सकते हैं, और मल्टीप्लाई 100 परसेंटेज के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्रॉफिट काउंट कर सकते हैं। और अगर बात करें हम लॉस की, तो लॉस कैसे काउंट करेंगे वो भी आपको दिखाता हूं। देखिए, हमें निकालना है अब लॉस परसेंटेज में। ठीक, तो परसेंटेज में कैसे, देखिए दूसरी कंडीशन में हमें क्या हुआ, लॉस हुआ कितने का, 2 रुपए का। लेकिन ये लॉस हुआ किस पर, 5 रुपए की चीज थी ना, तो 5 रुपए की वस्तु थी, 5 रुपए की वस्तु पर 2 रुपए का लॉस हुआ, परसेंटेज के लिए 100, और ये हमारा कितना आया था अभी, 40%। तो ध्यान दें, मैंने नीचे क्या लिखा, सीपी, ऊपर क्या लिखा, लॉस, और मल्टीप्लाई में कितना लिखा, 100। तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। तो ये फॉर्मूला आपके क्लियर है, ये फॉर्मूला आपके क्लियर है। अब देखते हैं कुछ और बातें जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एक एक चीज आप नोट कीजिए, कुछ भी छोड़ना नहीं है। ठीक है, और वीडियो को पूरा देखें तभी आपको समझ आएगा, और ध्यान से समझें। ठीक, अगर आप जितना ध्यान से समझेंगे उतना ही आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और उतने अच्छे से आप सवालों में आई हुई बातों को पकड़ पाएंगे। ठीक है, चलिए अब कुछ और बातों पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, ध्यान दीजिए, अगर बात करें हम, मान लेते हैं कि किसी वस्तु का मूल्य दिया हुआ है हमारे पास 50 रुपए। ये मूल्य कैसा है, क्रय मूल्य। कैसा है ये, क्रय मूल्य, यानी कि लागत मूल्य, या जितना इसे बनाने में हमारा खर्च आया वो मूल्य मान सकते हैं। तो सीपी हमारा कितना है, 50 रुपए, और वो बोल दे कि इस पर प्रॉफिट कितना हुआ परसेंटेज में, वो बोल दे कि प्रॉफिट कितना हुआ, मान लेते हैं 35% इस पर उसने दिया हुआ है प्रॉफिट, और वो आपसे पूछ ले कि इसका क्या बताओ, सेलिंग प्राइस बताओ, क्या बताओ इसका, सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो देखिए सेलिंग प्राइस कैसे बताएंगे, ध्यान दें, आपके पास यहाँ पे 2 तरीके होंगे, कितने तरीके होंगे, 2, और मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगा, जो आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं, और कौन सा तरीका आसान है फर्स्ट या सेकंड आप कमेंट करके जरूर बताना। देखिए पहला तरीका और यहां पर दूसरा तरीका। देखिए हमारा 50 रुपए की चीज है या 50 रुपए की वस्तु है, इस पर कितने का लाभ हुआ, 35% का, यानी कि 50 रुपए की चीज को आपने बेचा और 35% आपने क्या कमा लिया, एक्स्ट्रा कमाया उस वस्तु को बेचने के बाद। तो 35%
₹50 की चीज पर आपने 35% क्या कमाया, ज्यादा कमाया, इसका मतलब कितना ज्यादा कमाया, 50 का 35% ज्यादा कमाया होगा, तो आप 50 का 35% निकालेंगे सबसे पहले, परसेंट हटाएंगे, 100 लिखेंगे, 50 दूनी कितना 100, जब 35 को 2 से भाग देंगे तो आएगा 17.5, ये आएगा रुपयों में, क्या आएगा ये रुपयों में, यानी कि ₹50 की चीज थी आपने उस पर लाभ कितने का कमाया, 17.5 रुपयों का, इसका मतलब आपने इसे बेचा कितने का होगा, आपने इसे बेचा कितने का होगा, सेल आपने की होगी उसकी 67.5 रुपए की, ठीक, एक ₹50 की वस्तु थी आपने उसको सेल कितने का किया, 67.5 रुपए का, तब जाके आपका प्रॉफिट कितना बनता है 35%, ठीक है। इस तरह से अपना हम क्या निकाल सकते हैं, प्रॉफिट। अब देखिए दूसरे तरीके पर चलते हैं, ठीक, देखिए ₹50 की हमारी क्या थी, वस्तु थी, ठीक है, उसने कितना प्रॉफिट कहा, 35%, कितना 35%। परसेंटेज के अंदर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि हमने आधार 100 माना हुआ है, इसमें परसेंटेज का आधार हमेशा 100 होता है, तो अगर 35% लाभ कहे, अगर 35% लाभ कहे तो इसका मतलब आप उसे कितना लिख सकते हैं, 135%, कितना लिख सकते हैं, 135%। अगर वो कहे 35, ये प्रॉफिट में, और अगर कहे 35% लॉस, क्या कहे, 35% लॉस, तो 100 से 35 करके आप लिख सकते हैं, तो इसका मतलब उस वस्तु का इतने परसेंट, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, ₹50 की वस्तु थी, 35% का लाभ हुआ, इसका मतलब इसका सीधा 135% निकाल देंगे तो हमारे पास डायरेक्ट सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। देखिए 50 गुना 135 बटे कितना 100 का आधा 67.5 कितने रुपए, तो सेलिंग प्राइस हमारे पास कितना आया, 67.5 कितने रुपए। तो दोनों तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सेलिंग प्राइस यहाँ पे निकाल सकते हैं। चलिए इसी का मैं आपको, मान लेते हैं कि सीपी कितना है, ₹50, ठीक। अब की बार आपको लॉस है, लॉस है कितने परसेंट का, 35% का लॉस है, और आपको क्या निकालना है, एसपी, तो आप मुझे एसपी बताएं, आप मुझे क्या बताएं, एसपी, ठीक। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, या समझे कि ये आपको करना है स्वयं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को लाभ हानि सीपी एसपी एमपी सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। इस वीडियो को अच्छे से करें, और नेक्स्ट वीडियो में मैं 2-4 एग्जांपल्स और लेके आपको बुक से क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर दूंगा, घटना चक्र की बुक, ठीक है। आपके जितने फ्रेंड सर्कल में सब फ्रेंड्स हैं, जो भी आपका रिश्तेदार हो, भाई बंधु हो, जो रेलवे की तैयारी कर रहा हो, आप उनको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए, उनको सजेस्ट कीजिए कि आपको घटना चक्र की बुक से तैयारी करनी है, और मेरे वीडियो उनको आप दिखाएं, शेयर कर दें, लिंक भेज दें किसी तरीके से, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, और उनको ज्यादा से ज्यादा इस चैनल तक जोड़ें, ताकि वो भी रेलवे में अच्छे नंबर ला सके मैथमेटिक्स में, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आपका दिन शुभ रहे, जय हिंद, वंदे मातरम।